श्रीगंगानगर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी रजत यादव और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक शर्मिला ने किया। शिविर में लगभग 30 कंपनियों ने भाग लिया। सबसे पहले तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनमें एक अवेयरनेस है कि जो सरकार अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आती है, जॉब जॉब मार्केट में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज जॉब सीकिंग इंडिविजुअल्स को जोड़ने का एक जो अभियान चलाती है उसके बारे में एक अवेयरनेस है। सहायक निदेशक शर्मिला जी से भी आज मुलाकात हुई तो उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया सब लोगों को कि कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो जो आज कंपनीज आई थी इस जॉब फेयर में उन्होंने अपना अपना एक एक्सप्लेन किया स्टॉल लगा के कि क्या किस टाइप के रोल्स हैं, क्या ऑफर करेंगे और आगे कैसे इनका करियर ट्रैक होगा। मोहित टांटिया जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया कैसे स्किल कैसे स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। और मैं भी यही मानता हूँ कि दुनिया ऐसे इवॉल्व हो रही है कि आपको कॉन्स्टेंटली स्किलिंग चाहिए। आप ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन हो लेकिन 5 साल 10 साल बाद वो नॉट नेसेसरली वो एडिक्वेट होगी। तो आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करो अपने आप को। यही ऐसे रोजगार मेलों का उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा जो जॉब फेयर आज आयोजित किया गया है वो बड़ा ही अच्छा रोजगार मेला था। हमारे सबके लिए भी कुछ फॉर्म्स में आई ओपनर भी था और कुछ हमें भी बहुत कुछ ग्रुप को सीखने को मिला। जिस प्रकार से आशार्थी अभ्यार्थी आए हुए थे और जो कंपनीज आई हुई थी उनको ट्रेन करने के लिए या उनको जॉब पे लेने के लिए, तो उन सभी को देखने के बाद में मेरे मन में तो आज यही इच्छा आई कि ग्रुप को और गंगानगर शहर में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स और लिए जाने चाहिए जिससे कि हम अपने यहाँ के यूथ को और ज़्यादा इम्प्लॉय कर सकें। सर, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मतलब जैसे सभी कंपनीज के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिला